मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल। ठीक है, क्लास अपनी थर्ड है, सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज का जो लेक्चर नंबर 4 है अपना फाइनल है, इसके अंदर हम अब क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हैं स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ले लीजिए। इस तरीके से बुक है, ठीक है, और पेज नंबर बात कर रहा हूँ मैं अपने की, पेज नंबर है 11 पर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आंसर द क्वेश्चन ओरली। ए में क्या लिखा है, आंसर द क्वेश्चन से ओरली। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर अपने को कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो के शुरुआत में पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, आप देखिए, व्हाई वाज विकास एब्सेंट यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज विकास एब्सेंट यस्टरडे। तो आप बताइए मेरे को कि विकास उस दिन एब्सेंट क्यों था, पिछले दिन मतलब बीते दिन ये विकास कहाँ चला गया था, स्कूल क्यों नहीं गया था, कहाँ चला गया था। तो देखिए, विकास वेंट टू हिज कजिन्स होम टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। तो बताओ कहाँ चला गया था भाई, ये विकास कहाँ चला गया था, स्कूल क्यों नहीं गया था। तो विकास है जो अपने चाचा के घर पर है, किसी की चाचा के लड़के की या लड़की की क्या थी, बर्थडे पार्टी थी, वो उसमें शामिल होने के लिए, उपस्थित होने के लिए चला गया था। ओके, तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे, व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे। तो बताओ बच्चों, स्कूल के अंदर है कल क्या हुआ था, अपनी स्कूल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, उस स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए आप बताएं क्या हुआ था भाई बताओ। तो कल क्या हुआ था स्कूल में, ठीक है, तो यस्टरडे देयर वॉज ए फुटबॉल मैच। तो कल क्या हुआ था, एक फुटबॉल मैच हुआ था। अगर आगे पूछे तो किस किस के बीच में हुआ था, हमारे स्कूल के बीच में, और दूसरे स्कूल का क्या नाम था, मेनीलैंड पब्लिक स्कूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम वॉज प्लेड इन द मैच। तो बताओ उस मैच के अंदर कौन सा खेल खेला गया था, बताओ कौन सा मैच खेला गया था, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो देखिए फुटबॉल वॉज प्लेड इन द मैच। ओके बच्चों, ठीक है, क्या खेला गया था, फुटबॉल खेला गया था। और एक का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ द टू मैच, हु वाज द विनर ऑफ द मैच। तो बताओ मैच के अंदर किसकी जीत होती है, मेनीलैंड पब्लिक स्कूल या फिर उनका स्कूल, तो देयर स्कूल वॉज द
विनर ऑफ द मैच। ओके स्टूडेंट, बात अपनी ये हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हैं बी वाले, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो देखिए अपने को यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे, उस पर टिक करना है, और टिक कैसे करना है, इस तरीके से बनाना है। तो टू टीम्स प्लेड, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है टू टीम्स प्लेड, फिर देखिए ब्लैंक दे रखा है, फर्स्ट है क्या खेल खेला था, क्रिकेट है, सेकंड नंबर पर है हॉकी, और थर्ड नंबर पर है कौन सा स्टूडेंट, थर्ड नंबर पर है फुटबॉल। नेक्स्ट है वो इनकोरेटेड द मैच, ओ इनो गोरेटेड द मैच। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेफरी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मैनेजर, ऑप्शन नंबर थर्ड है अपने पास कैप्टन। ओके सेंटेंस नंबर देखिए, वेरी गुड, यहाँ पर दो ही सेंटेंस थे और दोनों सेंटेंस हम लिख चुके हैं। तो देखिए टू टीम्स प्लेड, क्या खेला, तो क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं, फुटबॉल, यस। तो क्या खेला था उन्होंने, फुटबॉल खेला था। तो हु इनॉग्रेटेड द मैच, मैच की उद्घाटन किसने किया, रेफरी नहीं, मैनेजर सोचेंगे, कैप्टन नहीं, तो मैनेजर। राइट आंसर इज मैनेजर, एम ए एन ए जी ई आर। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने हो गए क्वेश्चन से, आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करके आगे लिखने वाला हूँ क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम सी वाले, फिल इन द ब्लैंक्स विद दस वर्ड्स गिवन बिलो। वर्ड्स गिवन बिलो, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अपने को उनमें से फिल करना है इन ब्लैंक्स को। फर्स्ट हैंड, फर्स्ट क्या दे रखा है, देखिए स्टूडेंट मैं आपको लिख देता हूँ कि इस तरीके से बॉक्स दे रखा है, आप भी इसी तरीके का बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट दे रखा है देखो हैंड, इलेवन फुटबॉल कजिन्स, हैंड फर्स्ट में है हैंड, इलेवन फुटबॉल, और लास्ट में है कजिन्स। ओके स्टूडेंट, तो देखिए शुरू करता हूँ मैं, सेंटेंस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर चार सेंटेंस हैं, तो फोर सेंटेंस नंबर, तो विकास वॉज एट इज, विकास वॉज एट इज ब्लैंक होम टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, होम टू अटेंड हिज
बर्थडे पार्टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, यस्टरडे देयर वॉज ए, यस्टरडे देयर वॉज ए ब्लैंक मैच। ओके सेंटेंस नंबर देखिए नेक्स्ट, थर्ड मैच स्टार्टेड एट ए, मैच स्टार्टेड एट ब्लैंक ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट दे रखा है, द मैनेजर शुक द मैनेजर सुक ब्लैंक एंड विथ एवरी प्लेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो बात अपनी हो चुकी है, तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, विकास वॉज एट हिज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कजन्स होम टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, यस्टरडे देयर वॉज ए, नेक्स्ट में क्या जाएगा, फुटबॉल मैच। थर्ड है, मैच स्टार्टेड एट 11 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, मैनेजर द मैनेजर शुक हैंड विथ एवरी प्लेयर। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार ये चारों हो गए। अपने देखिए आगे क्वेश्चन नंबर डी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अपने पास पांच सेंटेंस दे रखे हैं, पर पांच सेंटेंस के अंदर टी आएगा या एफ आएगा ये अपने को फिल करना है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फाइव। ओके तो देखिए फर्स्ट है, स्कूल टीम वन द मैच बाय वन गोल, स्कूल टीम वन द मैच बाय ए वन गोल। ये क्वेश्चन क्या है, सही है या गलत है, वो अपने को इसमें फिल करना है। बाई वन गोल, ओके स्टूडेंट बाई वन गोल। नेक्स्ट है, द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग। सेंटेंस नंबर थर्ड है, रवि स्कोर्ड नो गोल इन द मैच, रवि स्कोर्ड रवि स्कोर्ड नो गोल इन द मैच, तो मैच के अंदर रवि ने कोई गोल नहीं किया। ओके सेंटेंस नंबर फोर है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इनॉगरेटेड द मैच, इनॉगरेटेड द मैच। ओके स्टूडेंट, ये अपने को पूछा है क्या आएगा इसमें फिल करना है। नेक्स्ट है, नितिन वॉज द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम, नितिन वॉज कैप्टन ऑफ स्कूल टीम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है, तो देखिए अपने को फिल करना है यहाँ पर। तो आप बताइए, स्कूल टीम वन द मैच बाय वन गोल, क्या स्कूल की टीम उनकी एक गोल से जीत गई थी क्या, अगर जीती थी तो टी लिख दो,
और नहीं जीती तो एफ़ लिख दो। मेरे ख्याल से जीती थी, आपके ख्याल से भी वेरी नाइस जीत हुई थी। द मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, मैच बहुत रोमांचकारी था, वेरी गुड सही था। द रवि स्क्वाड नो गोल इन द मैच, रवि ने मैच के अंदर एक भी गोल नहीं बनाया, गलत बात है। रवि ने कितने गोल बनाए थे, 3 गोल बनाए थे, एफ हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इनॉग्रेटेड द मैच, मैच का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने किया, नहीं किसने किया था, मैनेजर ने किया था। नितिन वॉज कैप्टन ऑफ स्कूल टीम, नितिन स्कूल की टीम का कप्तान था, ये बात सही है या गलत है बताइए स्टूडेंट। तो ये बात 100% सही थी, क्योंकि स्कूल की जो टीम थी उसका कप्तान खुद कौन था, नितिन था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, फिर आगे वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी वाले कंप्लीट हो गए, ई वाले के बाद में अपने पास क्वेश्चंस बचेंगे ए और बी वाले, ग्रामर वाले, वो अपन क्लियर करेंगे और चैप्टर नंबर 3 इस प्रकार से अपना पूरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके तो देखिए, हु वाज द रेफरी ऑफ द मैच, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वाज द रेफरी, हु वाज द रेफरी ऑफ द मैच, तो बताइए मैच का रेफरी कौन था, आंसर बताइए स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था तब भी कि आएगा ये क्वेश्चन, आपको बोला था, तो बताओ कौन था मैच का रेफरी। यस, वेरी नाइस आंसर, मिस्टर एम एल खन्ना, मिस्टर एम एल खन्ना वॉज द रेफरी ऑफ द मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु डिड एवरीबडी प्रजेज रवि, व्हाई डिड एवरीबडी प्रेज रवि, प्रेज रवि। ओके, प्रश्न पूछा है अपने से रवि की लोग क्यों तारीफ कर रहे थे। ठीक है, तो रवि स्कोर्ड, रवि स्कोर्ड ए, रवि स्कोर्ड वन मोर गोल, रवि स्कोर्ड वन मोर गोल, मोर गोल एंड द टीम गॉट विक्टरी, इसीलिए सभी आदमियों की प्रशंसा कर रहा था। हु वाज द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द कैप्टन
ऑफ द स्कूल टीम। तो बताओ स्टूडेंट, स्कूल टीम का कप्तान कौन था? आंसर में बताओ क्या हो जाएगा, नितिन। कौन था? नितिन वॉज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम। ओके स्टूडेंट, स्कूल टीम का कप्तान कौन था? नितिन था। हु स्कोर्ड 3 goals? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड 3 goals? तो बताइए मेरे को कि यहाँ पर 3 goal किसने बनाए। ओके बताओ, तो देखिए किसने बनाए थे भाई, आलोक और सचिन ने तो 2 goal बनाए थे, 3 goal है जो इस गोल कीपर था सौरभ उसने बचाए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 3 goal किसने बनाए, तो 3 goal खुद किसने बनाए, रवि ने बनाए, तो रवि स्कोर्ड 3 goals। ओके स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर टू फ्रेंड्स टॉकिंग, हु आर टू फ्रेंड्स टॉकिंग। यहाँ पर कौन कौन दो मित्र बात कर रहे हैं? फर्स्ट है आंसर रोहन एंड विकास आर टू फ्रेंड्स टॉकिंग। ओके, बात किस किस के बीच में हो रही है? बात रोहन और विकास दो मित्रों के बीच में बातें हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है जो थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट है अपोजिट वर्ड और सेकंड अपने पास नंबर्स। ओके, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको करवा देता हूँ वैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो देखिए नेक्स्ट अपने पास लिखे हुए क्वेश्चन से राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ, इनका अपोजिट वर्ड्स लिखना है। यस्टरडे का मैंने आपको बताया था, यस्टरडे का क्या होता है टुमारो, देयर का हेयर। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में भी, तो आप ध्यान से सुने, यस्टरडे का टुमारो, देयर का हेयर, पब्लिक का प्राइवेट, रिमेंबर का फॉरगेट, लास्ट का फर्स्ट, विक्ट्री का डिफीट। ओके, इसमें क्या लग जाएगा, प्लूरल बनाना है, चेंज द नंबर, टीम में एस, मैच में ई एस, प्रेयर एस, रेफरी एस, गोल एस, लाइंस एस, सब में एस लगेगा, सिर्फ सेकंड नंबर में ई एस लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना जो होमवर्क है वो होमवर्क इस प्रकार से है, डू एंड लर्न द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, अपने को अपनी पेयर कॉपी के अंदर इन पर्सन उत्तरों को करना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आराम से रहें, घर पर रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।